हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग गूगल पे में अपने बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा आप लोगों के पास सिम होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए आप लोगों को। तो ये दो चीज़ें आप लोग को होना चाहिए, तभी आप लोग अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे में लिंक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को ये ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आप लोगों को ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो ऐड बैंक अकाउंट के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे बैंक अकाउंट दिख रहे हैं। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, आप लोग उस पे क्लिक कर दीजिए। मेरा बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है, तो मैं HDFC पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप ऐसे वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा। उसके बाद इस मोबाइल नंबर से जो भी HDFC बैंक में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को ATM की लास्ट 6 डिजिट नंबर इंटर करने को बोल रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को ATM की ज़रूरत पड़ेगी आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए गूगल पे अकाउंट में। तो अब आप लोगों को अपना ATM उठाना है, उसके बाद लास्ट 6 डिजिट को आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक्सपायरी लिखा हुआ है। तो आप लोगों के पास ATM में ही लिखा होगा वैलिड थ्रू या एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर। तो आप लोगों को यहाँ पे मंथ उसके बाद / ईयर डाल देना है, जो कि आप लोग ATM में देख पा रहे होंगे अपने डेबिट कार्ड या ATM में। तो आप लोगों को ये इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ UPI क्रिएट हो गया है इस बैंक अकाउंट से। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट पिन पे क्लिक कर देना है। तो आप दोस्तों, आप लोगों को ये पिन जो है, ये उस वक्त काम आएगी जब आप लोग किसी को भी पेमेंट सेंड करोगे, तो आप लोगों को यही 4 डिजिट डालना होगा। तो आप लोग देख पा रहे हो, जैसा कि हमें मैसेज OTP रिसीव हो गया है। तो आप लोगों को जो भी OTP आएगी, यहाँ पे आप लोगों को इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ATM की पिन डालना है। जो भी इस ATM की पिन है, आप लोग उसको डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सही का निशान है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया है किस पिन सेट करने का, UPI पिन सेट करने का। तब आप लोगों को कोई भी 4 डिजिट पिन सेलेक्ट कर लेना है जो आप UPI पिन बनाना चाहते हो। या आप लोग जब ट्रांजेक्शन करोगे, पेमेंट किसी को सेंड करोगे, तो आप लोगों से यही पिन मांगा जाएगा। जब ये आप लोग पिन डाल दोगे, तो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी पिन, UPI पिन। तो आप लोगों को फिर से इंटर कर देना है। इंटरनेट करने के बाद आप लोगों को जो अभी पिन बनाए हुए हो, उसको एक बार फिर से डाल दीजिए, और उसके बाद फिर इंटर कीजिए। दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, बैंक अभी लिंक हो रहा है गूगल पे से। तो आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है कि UPI सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है। जैसा कि दोस्तों अब आप लोग देख पा रहे हो कि ये बैंक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आप लोग किसी को भी पेमेंट सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।